हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ASRock के B560M HTV मदरबोर्ड के बारे में, जो कि आता है इंटेल की 10th और 11th जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे आप इंटेल के 10th जनरेशन प्रोसेसर और 11th जनरेशन प्रोसेसर आप लगा सकते हैं। और इस मदरबोर्ड को देख के ही मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस मदरबोर्ड को आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। मतलब मैं ये मदरबोर्ड किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, तो इसकी शक्ल ही ये बता रही है कि ये मदरबोर्ड जो है किसी को नहीं ख़रीदना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार ज़रा हम थोड़ा सा स्पेक्स पे नज़र डालें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सपोर्ट इंटेल 10 जनरेशन एंड 11 जनरेशन प्रोसेसर, सपोर्ट DDR4 5000 मेगाहर्ट्ज तक आप जो है रैम को उस पर ओवरक्लॉक कर सकते हैं, अगर आपकी रैम इतना केपेबल है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी जा सकती है तो ठीक है। PCIe 1X, PCIe 4.0 यहाँ पे आपको मिल जाता है, PCIe 3.0 भी मिल जाता है। ग्राफिक्स आउटपुट HDMI DVI, ठीक है, 7.1 HD ऑडियो चैनल। यहाँ पे जो कोडेक लगा है, ऑडियो कोडेक, वो है ASC897। जिन लोगों को नहीं पता ये रियल टेक ऑडियो कोडेक क्या है, तो ये ऑडियो IC होती है जिससे आपको आवाज़ सुनाई देती है, मतलब आपको साउंड सुनाई देता है। जो आपके कंप्यूटर में जो ऑडियो फाइल होती है या जो ऑडियो सॉन्ग होते हैं, जो भी होता है, वो एक डिजिटल फाइल होती है और इसका काम होता है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देना। तो इसके थ्रू आपके स्पीकर में एनालॉग सिग्नल जाता है। यहाँ पे देखिए ये लोकेटेड है यहाँ पे, और ये एनालॉग सिग्नल जो है आपको अगर ये जूम हो जाए, जूम नहीं हो रहा, ऐसे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको एक येलो कलर की लाइन भी दिख रही होगी जो कि जा रही है जैक वाले जो पोर्ट हैं उसमें, और नीचे वो जो येलो कलर की लाइन है वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है। कैपेसिटर बेसिकली फ़िल्टर के लिए होते हैं, और वहाँ पे जो नीचे है वो ऑडियो IC है, ठीक है। तो इसके अलग अलग वर्जन आते हैं ऑडियो IC के, अलग अलग तरह की ऑडियो IC का असर पड़ता है साउंड क्वालिटी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 6S 6X USB 3.2 Gen 1, तो ये नाम बड़े अजीब हैं USB के, मुझे याद नहीं रहते हैं जब तक मैं देख ना लूँ। 6X USB 2.0, ये दो रेयर में दिए हैं, चार फ्रंट में है, ओके ठीक है, 4X फ्रंट में, 2X रेयर। और इंटेल की गीगाबिट लैन, ये एक अच्छी चीज़ दी है रियल टेक की लैन के बजाय, इन्होंने इंटेल की लैन देना प्रेफर किया है, जो कि कुछ लोगों के लिए ये बेटर हो सकता है। आई थिंक अब रियल टेक भी अच्छा कर रहा है, पहले कुछ इश्यूज़ हो जाते थे रियल टेक की लैन के संग। तो इस मदरबोर्ड को मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कोई हीट सिंक नहीं लगा है, और ये जो MOSFET है ये गर्म हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि गर्म होके तो ये ख़राब हो सकते हैं, तो ये मदरबोर्ड भी डेड हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप इसमें i5 या i7 लगा दें, अगर आप यहाँ पे पावर लिमिट्स को हटाने की कोशिश करें या हटा दें, तो ये मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। या तो आप प्रोसेसर को अंडरक्लॉक करके चलाएं तो ये मदरबोर्ड जो है लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। जो हमारे इंटेल की जो 11 जनरेशन है वो है 14 नैनोमीटर पे बेस्ड। अब उसको पावर कंजम्पशन अच्छा खासा चाहिए होता है कंपेयर टू राइजन। तो यहाँ पे इंटेल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटेल ने जो है ज़बरदस्ती कोशिश करी है कि ऐसा दिखाने की कि उसके प्रोसेसर जो है कम बिजली खाते हैं। तो उसने i5 की TDP को 65 वाट्स का रखा है, लेकिन 65 वाट्स पे उसकी बेस क्लॉक को 2.6 GHz भी सेट किया है। फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो सकती थी, बेस क्लॉक ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन फिर वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता। तो 65 वाट का प्रोसेसर दिखाने के लिए उसकी बेस फ्रीक्वेंसी को कम किया गया है, लेकिन जब वो बूस्ट करता है, जब उसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो मैक्सिमम है 4.4 GHz, ऐसे में वो 100 वाट के अबव भी चला जाता है, यानी कि उससे ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करने लगता है, उसकी TDP हाई हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा हाई TDP वाला प्रोसेसर इस मदरबोर्ड में लगाना सही नहीं है, और फिर इस मदरबोर्ड के MOSFET को ठंडा करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक भी नहीं लगा है, तो ये गर्म होके जल भी सकते हैं, और ये जल जाएंगे तो फिर मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा, फिर कुछ काम नहीं करेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं इस मदरबोर्ड के संग हो सकती हैं। फिर ये मदरबोर्ड कोई ऐसा सस्ता भी नहीं आता है कि आप इसकी तरफ देखें कि चलो मुझे अगर i3 लेना हो तो मैं इसी को कंसिडर कर लेता हूँ, या अगर इंटेल ने 11 जनरेशन के संग, मुझे नहीं पता कोई पेंटियम जैसा कोई प्रोसेसर रिलीज़ किया या नहीं, मैंने i3 i5 i7 ही देखे, पेंटियम देखा नहीं मैंने 11 जनरेशन का।
मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है फ़िलहाल। तो अगर इंटेल ने पेंटियम जैसा कोई प्रोसेसर रिलीज़ किया है तो भी आपको ये मदरबोर्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। आप थोड़े से और पैसे लगा के एसुस में प्राइम वगैरह ले सकते हैं, या MSI का ही एक मदरबोर्ड आता है वो ले सकते हैं आप। MSI में भी एक मदरबोर्ड बिना हीट सिंक का आता है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक आता है दूसरा, उसका नाम मैं समय भूल रहा हूँ, फिर कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये तो समझ ही गए कि इसको हमें लेना नहीं है, तो तब भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए इंटेल की जो स्पेक है, डिफ़ॉल्ट स्पेक, उसके हिसाब से ये मदरबोर्ड काम करता है, 2.6 GHz, 2.5, 2.5, तो ये इंटेल की डिफ़ॉल्ट है। और ये दे सकता है 100 वॉट तक का पावर दे सकता है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि i5 इतना जा सकता है, लेकिन इतना जाएगा नहीं, और i9 i7 इतना जा सकते हैं। तो सुपर एलॉय, 50 एम्पियर की चोक, जो कि ज़्यादा कुछ करेंगी तो नहीं इसमें, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं इस मदरबोर्ड के बारे में, फिर भी हम देख लेते हैं ज़रा। M.2 SSD, PCIe 4.0 दिया गया है M.2 के लिए। यहाँ पे 3 ग्राफिक्स आउटपुट, अच्छा चलो ठीक है। तो यही है इस मदरबोर्ड के बारे में। ओवरऑल मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसके फीचर्स देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि सीधे मैंने मना कर दिया कि आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये लेना समझदारी होगी नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इंटेल लैन दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दूसरे फीचर पे कॉस्ट कटिंग करके VRM में अगर हीट सिंक दे देते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन इन्होंने हीट सिंक देना ज़रूरी नहीं समझा। हीट सिंक दे के थोड़ा सा कॉस्ट ही बढ़ा देते तो भी सही होता, लेकिन पता नहीं क्यों हीट सिंक इन्होंने लगाया ही नहीं, बिना हीट सिंक का मदरबोर्ड ऐसे ही रिलीज़ कर दिया। खैर जो है वो है आपके सामने, और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।